5216 मीटर। मलकाय पर्वत को सर करने वाले पहले पाकिस्तानी मुजाहिद पाकिस्तानी सिपाही जाहिर जिया। चोटी पे कैजुअलिटीज बहुत हो रही थी, अमवात ज्यादा हो रही थी, तो इस वजह से इस तरफ कोई जा नहीं रहा था कि वो सब इन्होंने एक मिथ कायम की हुई थी कि यहाँ पे जिन्नात हैं, तो वो तोड़ने के लिए हम गए थे। हर उस चीज पे ईमान है जो अल्लाह की तखलीक है, लेकिन ये कि जिन्नात और इन सब चीजों से बचने के लिए हम एक प्रिकॉशंस ही यूज कर सकते हैं, और हमने इसको 11 दिन में किया। और मौसम कैसा था? जब हम समिट के करीब पहुंचे, मतलब टॉप के करीब, तो हमें मौसम इंतहाई खराब मतलब मिल गया। वल्लाह वहां पे हमने कलमे पढ़ने शुरू कर दिए थे कि अब भी कुछ हो जाएगा, तो वहाँ पे मेरा नाम दिया गया जगह मशहूर हमने की कलमा चौक। एंड पे पहुंचे, पाकिस्तान का परचम लहराया, वो जो जज्बात थे, एहसास थे, वो कैसे थे? MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। पलटना झपटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। नाज़रीन इकराम, मैं हूं वसीम हाशमी और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। और मेरे दाएं बाएं अफवाजे पाकिस्तान के दो ऐसे शेर बैठे हैं जिन्होंने वो कारनामे सर अंजाम दिए हैं, अगर मैं बयान करना शुरू कर दूं तो एक लंबी फहरिस्त बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर बताना मकसूद इसलिए है कि चंद बातें आपकी गोश गुजार कर दूँ। 5216 मीटर मलकाय पर्वत को सर करने वाले पहले पाकिस्तानी मुजाहिद पाकिस्तानी सिपाही मेरे साथ मौजूद हैं, जाहिर जिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो कलर आपने पहना हुआ है, ये हमारा गरूर है, आप हमारे लिए फख्र हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके ये शुक्र गुजार हैं हम कि आपने इतनी इज्जत बख्शी है और बुलाया। जाहिर, 5216 मीटर बुलंद मलकाय पर्वत को आपने सर किया, अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं फीट में तो 17,000 फीट ये बन जाता है। ये सर करना बहुत मुश्किल काम है। पाकिस्तान में पहले बंदे आप हैं जिन्होंने इसको सर किया, वहाँ पर आप पहले ये बताइएगा कितनी टीम थी, इसके बारे में थोड़ा सा, फिर मैं अगले सवाल तक करता हूँ। जी, हमारी असल में कोपेमा पाकिस्तान की जो 8 रुकनी टीम थी जिसने सर किया, लेकिन इससे पहले 1963 में शायद और 1969 में भी इसको किया था, लेकिन वो फॉरनर्स ने किया था। तो उसके बाद यहाँ इस चोटी पे कैजुअलिटीज़ बहुत हो रही थी, अमवात ज़्यादा हो रही थी, तो इस वजह से इस तरफ कोई जा नहीं रहा था कि वो सब इन्होंने एक मिथ कायम की हुई थी कि यहाँ पे जिन्नात हैं, क्योंकि इसका जो मेन रेलिवेंट जो एक चीज़ है वो सैफुल मुल्क लेक है, क्योंकि उसके ऊपर ही वाक़ है चोटी मलकाय पर्वत। तो लोग ये कहते थे कि सर नहीं हो सकती, यहाँ पर जिन्नात हैं, धक्का दे देते हैं, परियाँ, जिन्नात, मतलब वही फैब्रिकेटेड कुछ स्टोरीज थी, तो वो तोड़ने के लिए हम गए थे। सर, आपका बिलीव था इन परियों पर? परियों पे नहीं, जिन्नात पे है, क्योंकि सूरह जिन भी है, कुरान पाक में मौजूद है, तो हमारा तो हर उस चीज़ पे ईमान है जो अल्लाह की तखलीक है, लेकिन ये कि जिन्नात और इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम एक प्रिकॉशंस ही यूज़ कर सकते हैं, बस ये कर सकते थे, इससे ज़्यादा तो हम डिनाई तो नहीं कर सकते। 8 मेंबरान की टीम थी, किस मौसम में गए और कितने लोग आपके साथ चोटी पर पहुँचे? असल में टीम 11 की थी, जिन्होंने सक्सेसफुली सर किया वो 8 थे, और हमने इसको 11 दिन में किया सर। और मौसम कैसा था? मौसम वैसे ओवरऑल हम जुलाई के एंड में गए थे, जब हम समिट के करीब पहुंचे, मतलब टॉप के करीब, तो हमें मौसम इंतहाई ख़राब मतलब मिल गया, इतना ज़्यादा कि विजिबिलिटी हमारी ज़ीरो थी, हमें अपनी रोप्स वगैरह नज़र, सेफ्टी वगैरह नज़र नहीं आ रही थी, तो वहाँ पे हमारे दिल को भी कुछ हो गया कि वाकई जो उसके बारे में चीज़ें मशहूर हैं अब वो दिस इज़ गोइंग टू हैपन, तो हमने कहा यहाँ पे अब हमारी ना कुछ यहाँ पे हो सकता है, काम पे टांग जाए हमारी। जाहिर, बुलंदी पे जाते हुए नो डाउट आपकी ट्रेनिंग ऐसी है, सांस फूलना शुरू हो जाता है और सांस विजिबिलिटी भी कम होती है, तो उसके लिए क्या आपने तरीका क्या अख्तियार किया? दिन को सफ़र करते थे, क्या होता था? नहीं, और रात के टाइम ये है कि हमने डिसेंडिंग की, सिर्फ वापसी का सफ़र किया, जो दिन में किया वो हम असेंडिंग ही करते थे, लिहाजा चढ़ने का हमने दिन में ही रखा हुआ था कि दिन की रोशनी में जितना भी हो सके विजिबिलिटी हमारी मतलब क्लियर हो तो उसमें हम करें। बाकी जो वो मौसम की जहाँ तक बात है, तो मौसम तो किसी भी टाइम वहाँ पे मतलब चेंज हो रहा था, तो उस हवाले से हमने अपनी तो तैयारी जो थी वो तो की हुई थी, लेकिन जो ग्राउंड पे पहुँच के हमें चीज़ें मिलती हैं वो हमारे मुताबिक नहीं होती, हमेशा कुदरत अपना पेश करती है, तो उससे जो निमटने के लिए हमने चीज़ें तैयार की हुई थी वो ये थी कि आज अगर हम चल रहे हैं तो मौसम ख़राब है तो फिर वापस आ जाते थे, फिर अगला दिन चढ़ते थे, मतलब इस तरह से हमारी हिकमत अमली रोज़ ही चेंज होती रही है, क्योंकि एक इंसान का प्लान होता है, एक कुदरत का होता है, हमने लिहाजा कुदरत को फॉलो करना था,
तो उसी प्लान पे चले जो अल्लाह ने हमारे लिए रखा हुआ था। आपके एक साथी के साथ बड़ा दिलचस्प और दिलखराश वाकया भी पेश आया, उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी बिल्कुल जी, मैंने आपको पहले जिस तरह से थोड़ा सा डिस्क्राइब किया कि वो जगह जिन्नात और इन चीज़ों के लिए मशहूर है, तो वहाँ पे एक हमारे जो टीम मेंबर थे उनके साथ कुछ इस तरह से वाकया पेश आया था कि वो बाद में स्टोरी इस तरह की बन गई कि अब वो लोग उसको जिन्नात वाली स्टोरी भी समझते हैं और कुछ कहते हैं ये सच है, कुछ कहते हैं झूठ है, लेकिन इसके साथ बीती जा रही है उसी को मालूम होता है, उसी को मालूम होता है बिल्कुल। वो असल में मसला ये था कि रात के टाइम हमने मतलब मना किया था अपने जो मेम्बरान थे कि बाहर नहीं निकलना आपने ना कैंप से, बाहर कैंप से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि अब जाहिर बात है अगर हम कुदरत के मस्कन में आए हैं तो कुदरत को भी मौका देना, उनको भी उनकी जगह पर, तो हम ना कब्जा करें, मतलब जो है हम ये पकीज़ा रहें, गंदगी ना फैलाएं। तो वो रात को बाहर कहीं निकला और इस तरह ही रात को चलते चलते इसी तरह ही अल्लाह जाने वो पाक था या नहीं, लेकिन वो उस तरह बाहर निकले और उनको सामने दरमियान में ग्लेशियर का चश्मा था, तो वहाँ पे तो उंगली भी डालें जम जाता है बंदा, ठीक ठाक सर्दी होती है। टेम्परेचर रात के वक्त हमें -25 से अबव था, जुलाई में रात के वक्त -25 से अबव होता है वहाँ पे। तो दिन में ये था कि दिन में कुछ काबिले बर्दाश्त था, तो दिन में वो जब निकले तो उनको तो नहीं इतना नोट किया, जब उन्होंने रात को बाहर निकले हैं तो उनके बकौल कहते हैं कि मुझे आवाज़ आई है सामने से कि हसान बेटा इस तरफ आओ, तो मैंने चलना शुरू किया और मैं पानी में ग्लेशियर में गिर गया, तो हमें आवाज़ दी, हमने जाके निकाला, फिर तो हमने कहा यार आप मतलब रात के वक्त क्यों मतलब बाहर निकल रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी मुझे आवाज़ आई थी, मैंने कहा यार इस टाइम कहाँ से आपकी आवाज़ आनी थी, जबकि उनके मुताबिक थी कि ये मेरी माँ की आवाज़ है, जबकि उनकी माँ को फौत हुए 3 से 4 हफ्ते हो चुके थे। तो ये जो स्टोरी थी ना इसने हमें थोड़ा सा हिलाया था, डिस्टर्ब हो गए सारे, जाहिर बात है, लेकिन ये था कि जब हम ऊपर पहुंचे टॉप के बिल्कुल पास, वहाँ पे रॉक फॉलिंग शुरू हो गई और वो ऐसी जगह थी कि 4 रास्ते आपस में मिल रहे थे, तो वहाँ पे जब हम पहुंचे तो वहाँ पे हमारे लीडर अहमद मुश्तबा अली हैं, तो पाकिस्तान के काफ़ी वेल नोन माउंटेनियर हैं, और उन्होंने हमें कहा कि यहाँ पे आप कलमा तैयबा का विर्द स्टार्ट कर दो, तो वहाँ पे मेरा नाम दिया गया जगह मशहूर हमने की कलमा चौक उस जगह पे हमने वल्ला वहाँ पे हमने कलमे पढ़ने शुरू कर दिए थे कि अब भी कुछ हो जाएगा, और इवन के 3 से 4 फीट का फासला था और पत्थर गिर रहे थे, बस सर हिलाने की ही फुर्सत थी, तो वाकई वो इस तरह से हो रहा था। रॉक फॉलिंग छोटे हों या बड़े हों अगर हिट कर जाएँ तो फिर वो मतलब कि ज़्यादा मसला क्रिएट हो सकता है। सी आ गई है ये सुनते हुए, -25 जुलाई का महीना जब एंड पे पहुंचे, पाकिस्तान का परचम लहराया, वो जो जज्बात थे एहसास थे वो कैसे थे? बिल्कुल सबसे ऊपर पहुंचे पहले तो सजदा किया अल्लाह के हुजूर, फिर अपने अपने हमने हमारे पास जो सैटेलाइट फ़ोन होते हैं स्पेशल एक, वहाँ से अपने अपने घरों में फ़ोन किया, माँ को कॉल की, उनको बताया सबसे मतलब बताया, अपनी टीम को अपनी यूनिट बताया, तो सब खुश हुए, लेकिन एक ही हर तरफ से पैगाम आ रहा था कि वापसी पे जो सफ़र है ना उसको जल्दी नहीं करना, आराम से ज़रा कर लें इजी, लेकिन आपने इसमें जल्दी नहीं करनी। वापसी कितने दिनों में हुई? वापसी हम बेस कैंप तो हम पहुंच गए थे दूसरे दिन की रात को, लेकिन ये था कि टोटली जो हमारे डेज थे वो 11 बने, मीन्स के हम 5 दिन 6 दिन तकरीबन 5 से 6 दिन जाने के और 3 से 4 दिन सिर्फ आने के, क्योंकि डिसेंडिंग ईजी होती है वापसी ज़रा, तो इस हवाले से पाकिस्तानी कौम में कोपेमाई अगर उजागर करनी हो या इस खेल को आप क्या देखते हैं, मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान में? मुस्तकबिल तो ये है कि हमारी इंडोर एक्टिविटीज़ बढ़ चुकी हैं, आउटडोर ख़त्म हो चुका है, और जहाँ तक स्पोर्ट्स की जहाँ तक स्कोप है पाकिस्तान में वो सिर्फ मखसूस एक दो जो स्पोर्ट्स हैं उन तक महदूद है, क्रिकेट और फुटबॉल, लेकिन फुटबॉल में भी हम आगे नहीं गए। लास्ट टाइम पाकिस्तान का जो मैच था क्रिकेट मैच था, सेम डे पाकिस्तान हारा, सेम डे पाकिस्तान की हॉकी टीम ने इंडिया को शिकस्त दी थी ब्लाइंड ने, वो नहीं आ सके, एक तरफ अरबों और करोड़ों उन पे लग रहे हैं और एक तरफ वो हैं जो फेसबुक और सोशल मीडिया पे आके बेचारे अपनी 30-30, 40-40 हज़ार रुपये की स्पॉन्सरशिप्स का बैगिंग कर रहे होते हैं कि यार खुदा का नाम हमें स्पॉन्सर करें, हम जाएँ, हम पाकिस्तान के लिए गोल्ड लेके आएंगे, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं है क्योंकि वो आपको मशहूरी नहीं दे रहे, वो आपको कमर्शियल नहीं कर रहे हैं, हमारी नेशनल भी नहीं है ना असल में, हमने तो अपने नेशनल को भी खो दिया, तो हमारे पास क्या रहा फिर? कोप एमआई कहाँ आती है? कहीं भी नहीं आती इसमें, जिसको शौक होगा वही करेगा। बिल्कुल नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान फुटबॉल में 120वें नंबर पे, हॉकी में 19वें नंबर पे। मुझे अभी याद है 1994 में पाकिस्तान ने आखिरी बार वर्ल्ड कप जीता तो ऑस्ट्रेलियन कोच थे वो कहते थे अगर किसी ने
हॉकी सीखनी है तो पाकिस्तान चला जाए। आज पाकिस्तान की हॉकी टीम दूर दूर तक इसका नामो निशान तक नहीं है। वजह, हमें स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। जो डिपार्टमेंट के लड़के हैं उनको डिपार्टमेंट से इमरान खान साहब के दौर में फ़र्क कर दिया गया, डिपार्टमेंट लेवल ही ख़त्म कर दिया गया। मैं एक बार तहे दिल से ममनून हूँ और इकबाल के शेर के साथ इख्तिताम करूँगा कि नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। कैमरा मैन साकिब के साथ वसीम हाशमी, इस्लामाबाद।